हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है घर की रसोई बाय रेखा में। आज मैं चंसूर का साग बनाने जा रही हूँ। ये चंसूर है, इसी का साग बनाएंगे। इसका एक नाम और भी है, तरा तेज इसे कहते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून तेल और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और हरी मिर्च। अब डालेंगे इसमें कटे हुए आलू। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और आलू को गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए हमारा आलू गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए साग। और चला देंगे। इसका साग बहुत ताकतवर होता है। इसके बीज का लड्डू बनता है, जैसे मेथी का लड्डू बनता है, और बहुत पौष्टिक होता है। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच है। नमक मिलाने के बाद चला देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गया है, खोल कर देखेंगे सब्जी को। थोड़ा और पकाएंगे सब्जी को और ढक देंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम होगा। सब्जी को खोल कर चलाएंगे। बीच बीच में सब्जी को चलाते रहना है, जिससे सब्जी जलने ना पाए। और इसमें अब डालेंगे 6-7 दाने कूटे हुए काली मिर्च के। मिला देंगे अच्छे से। देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और आलू कट रहा है, काट कर देखेंगे, कट गया। और इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जी को निकाल कर डोंगे में रख लेंगे। हमारा चंसूर का साग बनकर तैयार है। आप इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ खा सकते हैं। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।